हेलो दोस्तों, रत्रा विजन में आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे को आपको पता ही होता है, बाकी दिनों में काम का शेड्यूल होता है और संडे को घर का शेड्यूल होता है। तो अभी डिनर खत्म करके आया हूँ यहाँ। ये देखो, इधर देखोगे ना तो पता नहीं दिख रही नहीं दिख रहा, यहाँ पर पीछे शिमला पहाड़ी का चौक है और यहाँ पर खाने पीने के लिए गोलगप्पे, पूरा एंजॉयमेंट है यहाँ पर। तो रात पूरी मतलब चल रही है क्योंकि कल राखी, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन है, तो उसकी शॉपिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही थी। तो अभी देखते हैं जाकर, अभी तो गाड़ी पार्क की हुई है तो बाकी जाने गए हुए शॉपिंग करने, तो मैं बैठा हूँ गाड़ी पे इंतजार करने। तो मैंने सोचा कि कुछ चार बातें कर लेते हैं, वीडियो एक बना लेते हैं। और ये देखिए, आपने देखा कि नहीं देखा, ये है देखा, ये मेरी सोलर लाइट, थोड़ा सा करीब जाते ही प्यार दे देती थी ये। तो आ गई जी फौज। तो हमने लगा ली बेल्ट, क्योंकि मैं बेल्ट हमेशा पहले यूज करता हूँ, बाद में गाड़ी चलाता हूँ। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी आ गई, जैसे मैंने नई गाड़ी निकाली ना जो थार रॉक, तो उसमें क्या है कि जब तक आप बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो अब आ गई है जनता, तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई तो चलते हैं। रिवर्स गियर डालना पड़ेगा और यहाँ से निकालना पड़ेगा गाड़ी को, तभी मुश्किलों से। ए भाई गॉड, कौन है? अरे हॉर्न बजा रहा है। चलो आगे फिर करते हैं, एक बार गाड़ी मैं रोड के ऊपर ले आऊँ। तो आज फिर पूरे लगे हुए हैं छाननी वगैरह, और यहाँ पर पूरी रौनक मेला कहते हैं ना पंजाबी में, तो रक्षाबंधन की पूरी चल रही है फेस्टिवल सीजन। ये देखो, ये तो ठेका आ गया, ये है, ये देखो कैसे केक वगैरह पेस्ट्री और राखी का शुरू हो रहा है। और ये है शिमला पहाड़ी चौक, तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ का ना पोश एरिया है, हमारे शहर का, जिसको बोल सकते हो पोश एरिया, जहाँ पर सारे लोग शाम को हर तरह की उम्र के लोग आते हैं, हर एक एक अपने हिसाब से यार निकलता है और अपने खाना पीने के लिए निकलता है। तो बहुत सारे मॉल्स भी हैं यहाँ पर, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो अभी मूड जो है आइसक्रीम खाने का है, आइसक्रीम में क्या है, कुल्फी खाने का। तो कुल्फी खाएंगे और स्वाद लेंगे, फिर उसके बाद ही घर जाएंगे। कि और समय कितना हो गया है, समय हो गया, ये समय 10 रात के बज गए हैं 10, तो हमारी हो गई है बस। तो कुल्फी खाने के बाद सीधी है। ये देखो ये कितना अच्छा लग्जरी एरिया दिख रहा है ना आपको, ये बहुत कितना प्यारा प्यारा। और ये है सामने क्रोमा और साथ में इसके आइसक्रीम वाला, तो यहाँ पे खाएंगे आइसक्रीम, कुल्फी कुल्फी कुल्फी। तो जी डिसीजन हुआ कि कुल्फी खानी है, तो यहाँ पर कुल्फी मिलती है क्वालिटी वाली सबसे बेस्ट, क्योंकि मुझे पसंद ही ये है, क्योंकि इनकी ना क्वालिटी अच्छी होती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। गाड़ी की लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, क्योंकि बाहर निकलूँगा तो बाहर एकदम से निकलते ना मतलब कि वो गर्मी और मॉइस्चर का जो कम्बिनेशन है ना, मतलब हालत ख़राब कर देता है। गाड़ियाँ भाग रही हैं, सब लोग जा रहे हैं अब अपने अपने घरों को। शाही कुल्फी ये है जी, शाही कुल्फी, इसको खाएंगे फिर बताएंगे। ये है जी मिल्कदार कुल्फी, तो इसको ये देखो ऐसे गई ऐसे गई, अब सीधी मेरे मुंह में। यहाँ माल रोड पे सब रुक रात को ना आइसक्रीम खाते हैं, जो भी गाड़ी रुकती है तो आइसक्रीम खा के ही जाते हैं। इसका स्वाद अलग ही होता है डिनर करने के बाद ना। ये मेरी देखो सोलर लाइट भी जल गई, कितनी सुंदर लग रही है। कभी कभी ना हमारे शहर में रेड लाइट लगी हुई है तो कानून मान लेते हैं, नहीं तो अगर एक आगे वाले निकल गया ना तो पीछे वाला पीछे भागता रहता है, मुंह में आइसक्रीम इसलिए आवाज ऐसी आ रही है। 15 अगस्त से पहले पहले सारे झंडे भी लग गए थे, अब वो देखो अगर अंधेरे में आपको दिखाई दे रहा है तो हमारा जो भारत का झंडा है वो भी लहरा रहा है, हवा चल रही है। तो मज़ा आता है जब अपने नेशन का झंडा देख रहे ऐसे लहराता हुआ, वी फील प्राउड वी आर इंडियंस। ये जो चौराहा है ना, बड़ा कन्फ्यूज आ गई, अभी हमारी लाइट आ गई, बड़ा कन्फ्यूज है यहाँ लोग ना। और देखो ये देखो रेड लाइट हो गई, हमारी ग्रीन है, फिर भी बंदा भागा आ रहा है। और देखो मोटरसाइकिल वाला, मतलब आग लगी हुई है सबको, और गाड़ी हिट कर गई तो बाद में कहना जी मतलब गाड़ी वाले की गलती है, ये नहीं देखेंगे कि रेड लाइट किसने क्रॉस करी है और किसने नहीं करी है। आईला भाई शहरपुर, अभी कुल्फी ख़त्म करके
फिर से मन बना के एक कॉर्न भी खाना है। तो एक और क्वालिटी का है वो देखो सामने मारे, ये भगत सिंह चौक कह लो चाहे आप फतेहगढ़ चौक कह लो, तो वहाँ पर भी क्वालिटी का है, बहुत सारे यहाँ पर, लेकिन स्वाद हमारे क्वालिटी का ही आता है। जब से टूरिंग चल रही है ना, तो ये देख लो गाड़ी बुक ही रहती है, अभी 3 डंडे रह गए हैं। अब फिर ये कल को जब टूर पे जाना मांगेगी, मेरे को भूख लगी है, पेट्रोल दो, कहाँ से दूँ यार, 96 पे 40 पैसे हो गया पेट्रोल, 70, 30 पैसे कम हुआ है। लो भाई साहब, चॉकलेट क्रीम और बिस्कुट से भरा हुआ ये आ गया है, तो अब इसकी शामत नहीं है, अब ये भी पेट में जाएगा। लीजिए दोस्तों, आ गए घर, पहुंच गए हैं, खाना खुना खा के सब कुछ, मतलब कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी चले जाए इंसान, एंड ऑफ द डे बंदा कहाँ आता है, घर पर ही आता है। एक साड़ी कहावत है पंजाबी में, अभी बोलना नहीं चाहता। तो चलो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक का ब्लॉक को, इसी ब्लॉक को खत्म करते हैं। थैंक यू।